फेसबुक ले स्टार्टेड आचार्य। तन्वन्तरि समारम्भा शिवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। आयुर्वेद के सेशन में अभी अलग अलग रोग के ऊपर हम देख रहे थे। अभी पिछली बार जो हमने देखा था कैसे हमारे रोग विभिन्न होते हैं और उसके लिए हम क्या 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 औषधियों का सेवन कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। अभी ठंड की ऋतु है, लगभग लगभग भारत में बहुत जगह पर अभी ठंड हो रही है। उसके बाद वसंत का आगमन आएगा तो कफ का प्रकोप होगा, वसंते कफ प्रकोप्यति, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होगा। तो उसके लिए हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है, और अभी ओमिक्रॉन और जैसे हम भी वायरल फीवर, वायरल जो सर्दी जुकाम हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, घर पे क्या कर सकते हैं, और खास करके बहनों को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना है, तो उसकी आज थोड़ी सी हम बात करेंगे। खास करके कौन से रोग अभी इस ऋतु में बढ़ेंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे तो आयुर्वेद की दृष्टि से डरे बिना, तो उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो खास करके अभी जो वसंते कफ प्रकोप्यति, वसंत ऋतु आते आते कफ का प्रकोप होगा, और अभी दूषित वातावरण, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं बारिश शुरू ही रहती है। कल तक गुजरात में बारिश थी, जो कि जनरल होती नहीं है कभी भी इस समय पर बारिश। थोड़े दिन पहले भी बारिश हुई, अभी 3-4 दिन बारिश चलेगी, जब कभी भी नहीं होती है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अधर्म का जब उत्थान होता है, अधर्म बढ़ता है, तो ऋतु परिवर्तित होने लगती है। ऋतु के बैलेंस नहीं होता है, क समय पर बारिश आती है, ठंड बहुत पड़ती है या बिल्कुल नहीं पड़ती है, अनाज में अच्छे जो औषधियां है वो उगती नहीं है, मतलब वो उतना उसका विकास नहीं होता है, और जो शूल वाली या ऐसी कोई वनस्पतियां वो ज्यादा होती है। तो ऐसे अनेक लक्षण बताए हैं कि उस समय पर अच्छा वातावरण नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार का जो रोग है वो समय फैल सकता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होगा, सर्दी जुकाम वायरस, वायरल इन्फेक्शन, सिर का दुखना, डायरिया होना, ये सारी चीजें लक्षण आएंगे। वात रोगों के लिए, वायु के रोगों के लिए लोगों को जॉइंट्स पेन होंगे, हड्डी कभी टूट गई है, कुछ हुआ है, तो इसके जो पेन है वो अभी सबसे ज्यादा होंगे। शरीर में अंग का दुखाव, अंग का में मतलब कंफर्ट फील ना होना, टूटना, हड्डियों का टूटना, वो इस समय ज्यादा रहेगा। तो ये समय पर जिसको श्वास है, दम है, अस्थमा है, उनकी तकलीफें भी बढ़ेगी। खास करके जिनका कोई भी ऑपरेशन हुआ है उसको वहां पर अभी दर्द हो सकता है और वहां पर तकलीफें हो सकती है। तो ये सारे लोगों को अभी वसंत ऋतु से पहले, जो अभी ठंड है, तो उसके लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सूंठ डालकर, सूंठी, विश्वभेषज सूंठी कहते हैं जिसको, सूंठ डालकर पानी पीने का शुरू करना है। रोज सूंठी डालकर पानी पीना है या तुलसी बूंद डालकर पानी पीना है। आपको कोई भी प्रकार का तीखा रस वाला पानी को पीना है, तीखा रस उसमें चाहिए। केवल पानी है तो उससे कफ अभी होगा ही। इसके लिए एक तो ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए अभी भी, कुछ भी नहीं हुआ है तो भी आप उबाल कर ठंडा किया हुआ या थोड़ा सा गर्म 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 जल ही आप पीने का शुरू करें। यदि संभव है तो इस ऋतु में पंचकर्म वसंत से पहले ही करा ले, ताकि शरीर में जो बड़े हुए दोष है वो उसको हम निकाल पाए, विरेचन करा दे तो वो दोष निकल जाए, तो आगे हम बहुत सारे रोगों के सामने लड़ सकते हैं। घृतपान से जो विरेचन हम कर सकते हैं उसकी मैं विधि कभी बताऊंगा। घर पे ही घी पीकर और औषधियां लेकर हम घर पर ही विरेचन कैसे कर सकते हैं उसकी मैं एक विधि बताऊंगा, ताकि हम शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं घर पर ही। कुछ गोमूत्र भी लेना पड़ता है जो हमने बनाया है, गो
गोस्वर्णामृत करके एक औषधि बनाई है जिसमें गोमूत्र को हेज इट इज ऑर्क के बिना प्रिजर्वेटिव किया गया है। तो उसमें आंवला एलोवेरा जैसी औषधियां रसायन औषधियां डाली है, तो उसके का उसको बॉडी में से वो डिटॉक्सिफाई करती है और शरीर को अच्छा बनाती है। एक व्यक्ति को ध्यान रखना है जिसको टीबी है उसको नहीं देना है क्योंकि वो शोधन करती है, तो टीबी वाले का तो मल ही मल होता है और मल निकल जाएगा तो टीबी वाले को हानि हो सकती है। इसके लिए आयुर्वेद में कोई कोई लोगों को मल भी निकालने का मना किया है, उसमें से एक टीबी वाले। तो अस्थमा है, श्वास है, कास है, उसमें सब रोगों में ये दे सकते हैं आप। स्थूलीय शरीर बहुत ही है, आमवात है, संधिवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, उसमें भी वो अच्छा काम करता है। तो खास करके अभी किसी भी प्रकार का पंचकर्म शरीर शोधन के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो आपके नजदीक के सेंटर पर आप करा सकते हैं। राजकोट में भी अभी थोड़े ही दिन में हम ये व्यवस्था शुरू कर रहे हैं बाहर वाले लोगों के लिए, ताकि वो कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था, तो अभी हमने ये व्यवस्था की है। तो वो आपको यहाँ पर भी बुला सकते हैं और आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। पंचकर्म थोड़े ही दिन में वो शुरू हो जाएगा, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं पंचकर्म कराने के लिए। तो इसकी विस्तार से बात हम अगले सेशन में कर देंगे कि क्या क्या आप कर, लेकिन सबसे ज्यादा अभी यदि नहीं आ सकते हैं, कोई तकलीफें है, आपके नजदीक के भी वैद्य को संपर्क करके अपना पंचकर्म वहां करा सकते हैं। दूसरा, अपना शरीर का शोधन करने के लिए घर पे हम कुछ विधि बताएंगे, तो घर पे वो विधि करके भी आप अपना शरीर का शोधन वहां पर कर सकते हैं। याद रखें, शरीर में बसे बड़े हुए दोषों का शमन बहुत आवश्यक होता है और वो शमन करने के लिए आयुर्वेद में कुछ औषधियां बताई है, कुछ आहार बताए हैं, वो आहार और औषधियों का आपको सेवन करना रहेगा। तो अभी के ऋतु में आंवला सबसे श्रेष्ठ है, तो आंवले का सेवन करें। अभी की ऋतु में खास करके सभी प्रकार के फल आएंगे, ड्राई फ्रूट्स आएंगे, तो बहुत प्रकार के औषधियां प्राप्त होगी, तो वो सभी का आप सेवन कर सकते हैं, वो सेवन आप चालू रखें। बाकी गाय का दूध और खास करके गाय का घी का स्नेहन इस ऋतु में बहुत अच्छी औषधि होती है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। पानी उबाल कर ठंडा किया हुआ या गरम गरम या तुलसी बूंद वाला आप पानी भी पी सकते हैं, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे जाकर शरीर को रोज अभ्यंग करना है इस ऋतु में सबसे ज्यादा महत्व, क्योंकि ठंड के कारण शरीर में रुक्षता आ जाती है और रुक्षता को दूर करने के लिए शरीर पर रोज मर्दन यानी अभ्यंग करना है या अभ्यंग कराना है। तो किसी के पास भी आप करा सकते हैं, नहीं तो आप उसको अभ्यंग साथ से भी कर सकते हैं। तिल तेल का या कोई भी बला अश्वगंधा आदि तेल जैसे जो तेल आते हैं वो तेलों का आप अभ्यंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार की औषधियों का आप सेवन करेंगे खास करके, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और बहुत प्रकार के रोगों से, खास करके अभी जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है सबको, तो उससे आप बच पाएंगे। उससे बचने के लिए बहुत सारी औषधियां हमने तैयार भी की है, आप लोग उपयोग भी उसका कर रहे हैं। बस अभी केवल ध्यान आहार में रखना है, खास करके बाहर का पानी नहीं पीना है, बाहर की कुछ वस्तुएं नहीं खानी है, कफ प्रकोपित हो ऐसा कोई भी विहार नहीं करना है, ठंड में घूमना नहीं है, सीधे पवन का सेवन नहीं करना है, निर्वात स्थान में रहना है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही रोग से बच पाएंगे। डरना नहीं है, किसी भी प्रकार का यदि बुखार आए तो आयुर्वेद के पास बहुत सारी औषधियां है, तो उस औषधियां पर श्रद्धा रखकर आपको औषधि का सेवन करके अनुपान का महत्व को ध्यान में रखते हुए उसकी चिकित्सा करनी है। बहुत लोग क्या है कि वो व्यवस्थित औषधोपचार नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, इसके लिए कोई कोई रोग ज्यादा चलता है। नहीं तो आयुर्वेद की दृष्टि से यदि उसको समझ लिया जाए, उसकी सीक्वेंस को समझ ली जाए, तो बहुत आसानी होती है रोग को दूर करने के लिए, रोग को हटाने के लिए। तो ये आप भी कर सकते हैं। खास करके अभी मैं बात करूंगा जो अभी आया है ओमिक्रॉन, उसके बारे में मैंने पिछले भी बात की थी। अभी उसमें सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया जैसे सिम्टम्स उसमें होते हैं। डेल्टा वेरिएंट आया था करीब करीब, उसके जैसे लक्षण इसमें भी देखने को मिलते हैं जो मैं पढ़ता हूँ उसके आधार पर। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से यह श्लेष्मिक ज्वर है,
श्लेष्मिक ज्वर होने के कारण इसमें ठंडी चीजें खाने का मना होता है। पानी भी ठंडा नहीं पीना है, गरम गरम ही पीना है। उसमें भी सौंठ डालकर पिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। एक बात आपको याद रखनी है, पाचन को अच्छा रखना है। पाचन अच्छा रहा तो अजीर्ण नहीं होगा, अजीर्ण नहीं होगा तो आम नहीं होगा, आम नहीं होगा तो बुखार आने की संभावना नहीं होगी। बुखार नहीं आएगा तो हम इस रोग से बच पाएंगे। तो ये एक खास ध्यान रखना है। बाहर की चीजें नहीं खानी है, बासी नहीं खाना है इस ऋतु में। खास सुबह का, रात का सुबह, सुबह का रात को नहीं खाना है। ताजा ताजा ही गरम गरम भोजन करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ हमको सेवन करना है, जो हमने पहले ही बता दिया था। इम्यून अर्क का सेवन कर सकते हैं सुबह शाम एक एक चम्मच, या तो फिर तुलसी बूंद डाला हुआ पानी पी सकते हैं। हम सूंठ और गुड़ को एक लड्डू बनाकर हम उसका रोज सेवन कर सकते हैं। अदरक का सेवन इस ऋतु में कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त होगी उससे और अच्छी तरह से अन्न का पाचन। तो इतना हम अवश्य ही अपने आहार में बदल कर सकते हैं। आहार में बदल करके हम इस रोग से बच सकते हैं। बच्चों के लिए खास करके ध्यान रखें, बच्चों को सर्दी न होने दे अभी के ऋतु में। यदि सर्दी हो गई तो वायरल जो संक्रमण होता है वो तेजी से होता है। इसके लिए इफनी को सभी प्रकार के ज्वर में ले सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इफनी इनका कॉम्बिनेशन किया गया है ऐसा कि उसको हर एक प्रकार के ज्वर में उसको ले सकते हैं। खास करके श्लेष्मिक ज्वर में, वसंत ऋतु में या ठंड की ऋतु में आते हैं, उस समय वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो उसका सेवन आप अवश्य ही करें। और खास करके अभी बच्चों को ये रोगों से बचाने के लिए, बच्चों को सर्दी न हो जाए उसका खास ध्यान रखे। इसके लिए उसको नस्य करे, नस्य प्रतिदिन करना है, क्योंकि वो जन्म प्रभृति, जन्म से लेकर ही जी ईश्वर एक सत्र रखेंगे। अभी पहले मैं बारे अपनी बात पूरी कर देता हूँ। खास करके बच्चों के लिए सर्दी यदि हो गई तो उसके कारण उसको बुखार आ सकता है, उसको और खांसी हो सकती है। तो इसके कारण उसको यदि बचाना है तो कफ को, कफ से बचाना है, कफ से उसको बचाना है, कफ न हो ये ध्यान में रखना है। इसके लिए उसको नस्य प्रतिदिन देना है। बाल नस्य करके हमारा नस्य आता है, उसका आप नस्य दे सकते हैं। नाक में दो दो बूंद डाल सकते हैं। और बड़े लोग भी उसमें, जिसकी उम्र बड़ी है, वो लोग भी पंचगव्य नस्य या यष्टि मधु नस्य का नस्य ले सकते हैं। कभी बाष्प भी ले सकते हैं। अलग अलग औषधियों की भी बाष्प होती है और विभिन्न तेलों की भी बाष्प होती है। पानी से उसको बाफ ली जाती है। लेकिन यदि वो कठिन पड़े तो हम आसानी से तेल का अभ्यंग मालिश करके सूर्य स्नान भी कर सकते हैं। बालकों को भी सूर्य स्नान कराए अवश्य ही, उसमें विटामिन डी मिलता है और खास करके उसकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी बनती है। अथर्ववेद में मंत्र है, सूर्य की पहली 45 मिनट की किरणों, अरिष्ठा नामक किरणें होती है, जो हमने पिछले वीडियो में कोरोना का जब फैला था तब बताया था, और उसके सेवन से बालकों की अस्थि धातु मजबूत होती है। तो बालकों का खास ध्यान रखें। सुवर्ण प्राशन, अमृत प्राशन, बाल रक्षा अमृत नहीं देते हैं तो उसको शुरू करिए। बड़े हो गए हैं तो उसको च्यवनप्राश, मेध्यर्षायन जैसी औषधियां प्रतिदिन सेवन कराए। बालकों को खास करके अस्वच्छता जन्य रोग भी इस ऋतु में आते हैं तो उसकी शरीर की, हाथ पग की पूरी स्वच्छता रखे। खाने पीने में भी उसका ध्यान रखे पूरा। तो बच्चे को इम्यूनिटी अच्छी रखकर हम उसको ये रोग से बचा सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चे को वैक्सीन भी लग रही है। बच्चों को दूसरा बहुत सारा भी खबर आ रही है कि बच्चों में भी ये रोग विशेष रूप से जा रहा है, तो उससे हम बच्चों को सावधान रखें। श्लेष्मिक ज्वर बच्चों में ना आए इसके लिए प्रतिदिन घर पे धूप करें। तो पलंग कसादी धूप सभी प्रकार के ज्वरों के लिए बताया है। चरक मुनि ने उसको विषम ज्वर के लिए विशेष बताया है। गुगुल, नीम वगैरह, उसमें औषधि वचा इत्यादि औषधियां, सरसों इत्यादि औषधियां बताई है। जितनी हो सके उतनी आप औषधियां डालकर पलंग कसादी धूप, गुगुल का धूप उसको प्रतिदिन हम अपने घर पर कर सकते हैं और रोज करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहली पहले ही वीडियो में बताया था कि जब भी कोई ऐसी महामारी आती है तो उसमें देश काल क्षेत्र, देश जैसे कहते हैं कि काल देश काल
अग्नि, वायु और पानी, ये चारों चार तत्व बिगड़ जाते हैं, आज की ये स्थिति हो गई है, ऋतु भी विपरीत हो गई है, तो इसके कारण हमको प्रयत्न करके ये करना है। प्रयत्न करके हम ये करेंगे तो वो बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा, और हम बच्चों को बचा पाएंगे। खास करके बच्चों को बचाने की इसमें जरूरी है, बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है, तो हम लोग उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। बच्चों को अलग अलग रसायन प्रयोग भी करवाएंगे, खास करके इस ऋतु में गोमूत्र का सेवन करेंगे, उस उष्ण तीक्ष्ण विषग्न द्रव्यों से। वो हमारा पेट भी, केवल दो दो लोगों को ध्यान रखना है, गर्भवती महिला को गोमूत्र का सेवन नहीं करना है, जो इसको टीबी है उसको नहीं करना है, और जो अंडरवेट है, जिसका वजन कम है, ऐसी महिलाओं को या पुरुषों को गोमूत्र का सेवन नहीं करना है। तो ये सावधानी रखे गोमूत्र के सेवन करने जी। शक्ति क्षय जिसका हुआ है उसको भी गोमूत्र का सेवन नहीं करना है। तो ये सावधानी रखकर यदि हम लेंगे तो खास करके सर्दी खांसी बुखार में तो बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। कोई किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो वो जल्दी ठीक होता है, क्योंकि गोमूत्र विषघ्न है, किसी भी प्रकार को विष को दूर करते हैं। इसके लिए कोई कोई वनस्पति की भावना गोमूत्र में दी जाती है, जैसे नक्षत्रमिका आती है जिसको कुचला कहते हैं, वो जहरी होता है, लेकिन आयुर्वेद में उसका औषधीय प्रयोग करना है तो 7 दिन तक उसको गोमूत्र में भिगोने का बताते हैं। 7 दिन या 10 दिन गोमूत्र में भिगोया तो कुचला का पूरा जहर चला जाता है, और उसके बाद कुचला उपयोग में लाए जाए ऐसा बन जाता है। तो इसके लिए खास आप ध्यान रखें कि गोमूत्र शरीर को डिटॉक्सिफाई करने वाली बहुत ही अच्छी औषधि है, साथ साथ में वो वजन कम करती है, मेद को दूर करती है, थायराइड में उसका अच्छा परिणाम है, तो इसका हम अवश्य ही सेवन कर सकते हैं। सोंठ का पानी का या सोंठ गर्भावस्था में ली जा सकती है, लेकिन कुछ पित्त के रोग हो, यदि कोई विशेष परिस्थिति हुई हो तो उसको थोड़ी कम मात्रा में या गुड़ के साथ लेना है जी। अभी किसी के प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कल विशेष रूप से हम सत्र में हमारी औषधियों की चर्चा करने वाले हैं, आज बहुत लोगों के प्रश्न है और प्रश्न पेंडिंग रह जाते हैं, तो आज एक 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 करके बता दे तो सबको वो न्याय मिलेगा, ताकि वो आसानी से मुझे पूछ सके जी। आचार्य जी, ये जो सत्र होने वाला है फ़रवरी 11, 12, 13 अपना, जी उसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे आचार्य जी, तो उसका थोड़ा 1-2 मिनट में आपको ले पाऊंगा देखिए, आचार्य जी। 11, 12, 13 को जो सत्र है वो एक स्थान हमने रखा है अभी, तो कुछ विशेष परिस्थिति नहीं हुई, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेट, तो ये चालू ही है कोई विशेष, क्योंकि वो हमने ये स्थल का तो नियोजन कर दिया है। 1% ऐसा भी है कि स्थल भी बदलना पड़े हमको कदाचित, तो वो भी बदलने की व्यवस्था की है दूसरी जगह पर। खास करके क्यों ये हो रहा है, क्योंकि वसंत ऋतु वो एक श्रेष्ठ ऋतु है, भगवान ने भी गीता में बताया है, ऋतुनाम कुसुमाकरः, मासानाम मार्गशीर्षोऽहं ऋतुनाम कुसुमाकरः, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ और ऋतुओं में मैं कुसुमाकर अर्थात वसंत। तो ऋतुओं में वसंत इसके लिए है क्योंकि वसंत में नवसर्जन होता है, तो नवसर्जन की ऋतु में यदि किसी को संतति चाहिए, वो नवसर्जन की ऋतु में प्रयत्न करेगा तो उसको विशेष सफलता मिलने की संभावना है। जैसे ऋतु अनुकूल हो तो कोई भी फल ज्यादा पकता है, उसी तरह से एक बात होगी। अब गर्भाधान के लिए क्या करना है, पंचकर्म घर पे कैसे करना है, ज्यादा दिन बाहर अभी की स्थिति में हम नहीं जा सकते हैं, यदि तो थोड़े दिनों में ही हम कैसे उसको कर सकते हैं। उत्कृष्टि यज्ञ जो कहीं पर भी नहीं होता है अभी, तो लगभग लगभग भारत भर में, तो उसका आयोजन हम यहाँ पर करते हैं उत्कृष्टि यज्ञ का, और विशुद्ध रूप से वो उत्कृष्टि यज्ञ करके उसके बाद पायस का प्रसाद होता है, घृत का प्रसाद होता है, जो उत्कृष्टि घृत कहा जाता है, वो इनफर्टिलिटी में बहुत ही उपयोगी होता है, उसका मंत्र जाप उपयोगी होता है, वो खास करके उसकी आहुति उपयोगी होती है। तो ये सभी लोग इसका उपयोग कर सके, वो दे सके, इसके लिए हमने ये याग का आयोजन किया है। तो ऐसे यज्ञ का बहुत कम आयोजन होता था, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा था,
इसके लिए हमने यहाँ पर ये यज्ञ का आयोजन किया है। शुक्रवार को आपको आना है, शनिवार को यज्ञ होगा, और उसके पहले आपको क्या क्या करना है गर्भावस्था से पहले, कोई महिला गर्भवती है तो क्या करना है, इसके बारे में हम डिटेल से समझाएंगे, प्रायोगिक रूप से समझाएंगे। और किसी को कोई विशेष रोग है तो उसकी भी चिकित्सा के लिए हम उसका यहाँ पर मार्गदर्शन देंगे। यज्ञ में तो यज्ञ है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद शरीर का शोधन आप कैसे कर सकते हैं, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। कुछ औषधीय उसके माध्यम से आप अपने शरीर को कैसे दूर मतलब डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं शरीर का, और अपने जो दोष है वो संतति में न जाए इसके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वो सारा मार्गदर्शन हम यहाँ पर ये 3 दिनों में देने वाले। तो 3 दिन में हम पूरा प्रैक्टिकल घर पे होने वाले विरेचन आदि कर्म, और उसके बाद गर्भाधान से पूर्व में मंत्र का जो हम अभ्यास कराएंगे उस तरह से मंत्र बोलना है, दिशा का सूचन करेंगे किस दिशा में क्या करना है वो सब कुछ, और उसके बाद गर्भावस्था यदि किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ औषधोपचार तो है ही, लेकिन देव्यपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत उसको कुछ औषधि विशेष का भी हम निर्देशन देंगे कि ये औषधियां उसको लेनी है ये अपने मतलब गर्भ रोग को दूर करने के लिए। और उसके बाद आसानी से यदि गर्भावस्था में वो हुआ तो मतलब कंसीव हुआ तो उसके बाद उसको क्या क्या ध्यान रखना है वो भी हम उसको यहाँ पर बताएंगे। बच्चों का पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक की क्या चर्या होती है ये भी बताएंगे, उसका कर्ण वेद भी लगभग लगभग कैसे किया जाता है वो भी हम यहाँ बताएंगे। तो बहुत कुछ ये 3 दिनों में है, जिसको कोई दर्द वगैरह है तो उसके लिए अग्निकर्म भी होगा यहाँ पर ताकि उसको दर्द में रिलीफ मिले। तो ये सारे कुछ और एक दो कर्म हम घर पे वो लोग कर सके ऐसे भी दिखाएंगे। नाद ब्रह्म जो एक प्रकार का संगीत आता है वो मन को उस स्तर पर ले जाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, तो वो गर्भावस्था में वो संगीत बहुत उपयोगी है, तो इसके कारण उसका भी एक सेशन हम करेंगे उस प्रकार के संगीत का, ताकि हमारे अजागृत मन में वो शांति आए और हम दिव्य आत्मा अवतरण का अपना संकल्प पूरा कर सके। तो ये 3 दिनों में हमने विचार किया है कि जितना ज्यादा हो सके हम आपको दे प्रैक्टिकल आपको सिखाए तो आपको कोई प्रश्न न रहे, क्योंकि डिस्टेंस में बहुत कुछ मर्यादाएं थी होती है, तो ये मर्यादा को दूर करने के लिए ये आयोजन हमने किया है कि 3 दिन मिलेंगे, उसकी नाड़ी परीक्षण होगा, उसको मार्गदर्शन देंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका भी हम पूरा का पूरा विवरण उसको देंगे, कैसे ध्यान करना है, किस चक्र पर ध्यान करना है, इसका भी हम विवरण देंगे। प्रसूति आते आते अर्थात 9 महीना पूरे होते होते आपको क्या करना है, क्या उसकी तैयारी करनी है डिलीवरी के लिए, उसके लिए कौन सी औषधि चाहिए, उसका भी हम पूरा का पूरा मार्गदर्शन देंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आपको गर्भावस्था नहीं करनी है मतलब कंसीव नहीं करना है तो कौन से रोग ऐसे है उसकी हम विस्तृत माहिती देंगे, सक्षम कब होते हैं हम संतान को जन्म देने के लिए, और उसके बाद उसको कम से कम रोग हो वो स्वस्थ हो, केवल शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से आध्यात्मिक रूप से वो स्वस्थ आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी साधना करनी चाहिए, इसके लिए क्या हमको देव्यपाश्रय चिकित्सा करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पर सब कुछ बताने वाले हैं। तो ये 3 दिनों को बहुत ही जो संतति इच्छुक दंपति है वो अवश्य ही ये 3 दिनों का लाभ ले, ये 3 दिनों में भरपूर ये ज्ञान का लाभ उठाए ताकि आपको इस विषय में आपको ज्यादा ज्ञान मिले, और हम उत्तम संतति के लिए इतना तो कर सकते हैं। एक यदि आप याद रखे कोई मंद बुद्धि बालक या कम बुद्धि बालक आ गया तो उसके ऊपर आप करोड़ों रुपए खर्च करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या कैम्ब्रिज में भी भेजेंगे उसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक अच्छी संतति आई तो बिना पढ़े मतलब ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज के या स्कूल से पढ़े भी उसको अपनी सूझ से वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड खड़ा कर सकती है।
क्योंकि महत्व व्यक्ति का है, संतति का है। तो कैसी संतति हमको चाहिए? तो इसके लिए दिव्य संतति चाहिए, तो हमारा दिव्य आचार, दिव्य विचार हमको हमारा होना चाहिए। तो वो दिव्य आचार और दिव्य विचार कैसे हो हमारे जीवन में, उसके लिए गर्भावस्था जैसे ही आए उस तरह से कुछ नियम पति और पत्नी को करने चाहिए, वो नियम को पालन करना चाहिए। तो वो क्या नियम है उसकी बात हम वहां पर करने वाले। प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर प्रसूता गृह भी आपको देखने को मिलेगा, कुमार भृत्यम में हमने कुछ बनाए हैं, वो कुमार भृत्यम में भी देखने को मिलेगा। किसी को जरूरी है तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल है आयुर्वेद की, तो उसमें और भी सुविधाएं है सारी। तो किसी को कोई विशेष रोग है तो अग्निकर्म वगैरह का भी व्यवस्थापन हम यहाँ करने वाले है। तो एक जगह पर लगभग लगभग सभी बातों का यहाँ पर निदान से लेकर दिव्य आत्मा अवतरण तक के आध्यात्मिक प्रयोग होने वाले हैं। तो ऐसा निवेदन है कि बार बार ये नहीं होता है, केवल 2 साल में अभी पहली बार हो रहा है, तो ये कम होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लाभ ले और वो लोग आए यहाँ पर, तो हम उसके रोग की भी चिकित्सा कर सकते हैं अग्निकर्म इत्यादि के माध्यम से, और उत्तम संतति हेतु उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि एक वैचारिक प्रक्रिया है, जब तक कोई ये नहीं सुनता है, जब तक कोई ये सीखता नहीं है, तब तक वो इस विषय पर कार्य नहीं कर सकता है। इसके लिए वो कार्य कर सके, इसके लिए हमने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया है। जी आचार्य जी, इसमें सिर्फ जो बच्चे होना है उन्हीं वही आना है, बाकी कुछ वॉलंटियर आपसे मिलने के लिए और ये सीखने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए भी आप अलाउ करते हैं? हाँ, उसके लिए भी अलाउ है यहाँ पर, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ तो है ही, साथ में मानो किसी की पत्नी नहीं आ सकती है तो अकेले व्यक्ति भी आए, किसी का पति नहीं आ सकता है तो आए। क्योंकि ये कम होता है तो हमको लगता है कि ज्यादा लोग इसमें आए, क्योंकि ये से आयोजन कम होते है तो सीखने का भी अवसर है ये कि कैसे। और खास सीखना ये है कि उसके पहले और बाद में क्या क्या ध्यान रखना है, आप उसका नॉलेज भी लोगों को दे सकते हैं कि उसके पहले और उसके बाद में क्या दे सकते हैं, कंसीव करने से पहले और कंसीव करने के बाद हमको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या मंत्र देने हैं, मंत्र का क्या प्रभाव होता है, होता भी है या नहीं होता है, तो और औषधियों का क्या प्रभाव होता है, किस रूप में उसको सेवन करनी है, प्रसव के पहले क्या क्या ध्यान रखना है, ब्लीडिंग हो जाए तो क्या करना है, तो ये सब। और कोई किसी को ऐसा यदि कोई रोग है तो यहाँ पूरी की पूरी चिकित्सा है, उसमें हम मैक्सिमम चिकित्सा करने वाले हैं अग्निकर्म वगैरह से। तो ये भी एक जानने को मिलेगा आपको, अग्निकर्म कैसे होता है, अग्निकर्म क्या होता है। ये बच्चों को जब कान में छिद्र करते हैं तो एग्जैक्ट किस जगह पर करना है वो भी हम सिखाने वाले हैं, उसका एक सेशन होगा। तो छोटे बच्चे को लिए भी वो उपयोगी होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को कर्ण वेधन अभी कहीं पर भी वो जीवंत नहीं रहा है, हम लोग उसको देव छिद्र को यहाँ पर होता है कर्ण के मूल में, उसको ही छिद्र करके उसमें सुवर्ण की शलाका के द्वारा उसको पहनाते हैं, तो वो भी एक संस्कार आप घर पे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर मार्गदर्शन देने वाले हैं, खास करके गर्भवती महिलाएं जो जिसके बच्चे भी है, तो उसको बच्चों को क्या ध्यान रखना है उसके बारे में भी चिकित्सा के विषय पर कुछ बताने, तो वो आ सकते हैं। लेकिन जिनको लगभग ऐसा है कि युवा वर्ग आ सकता है पूरा, तो वो सीख कर दूसरे को सिखा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बेटे बड़े हो गए, बेटी बड़ी हो गई, तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों को भी वो जोड़ सकते हैं। जी ऐसा, इसका मतलब सबके लिए है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे ज्यादा उपयोगी उनको होगा कि जो या तो छोटे बच्चे हैं, या तो फिर जो चाहते हैं, लेकिन है सबके लिए, उसमें कोई अपने जिज्ञासा से आ सकता है, लेकिन विषय तो यही रहेगा, वो जानकारी आए, फिर उसको ये न लगे कि ये विषय था तो मेरा तो कोई, मुझे डायबिटीज है लेकिन इधर आया नहीं डायबिटीज का कुछ भी, या तो मुझे ब्लड प्रेशर है, तो ये ऐसे विषय नहीं होंगे। लेकिन गर्भावस्था से संबंधित सभी प्रकार के विषय, संतति के संबंधित सभी प्रकार के विषय यहाँ होंगे। जी गुरु जी, मेरे 3 सवाल है।
पहले जो अश्वगंधा पाक जो हम बनाते हैं तो उसमें कभी कभी जो फंगस लग जाता है, तो फंगस ना लगे उसके लिए कोई सॉल्यूशन है? देखिए, उसके लिए सॉल्यूशन ये होता है कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स को डालना पड़ता है तो फंगस नहीं लगती, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। तो इसके लिए वो पाक तो भी हमने बंद कर दिया है, क्योंकि फंगस लगती थी तो लोगों को तकलीफ होती थी। तो उस प्रकार का प्रिजर्वेटिव जो नेचुरल होता है, उससे अश्वगंधा पाक अभी तक तो प्रिजर्व नहीं होता है। कदाचित होगा, हमारे से तो हम करेंगे, लेकिन अभी तो कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। और केमिकल हम यूज करना नहीं चाहते हैं, इसके लिए उसका कोई अभी उपाय नहीं। और जिसका उपाय नहीं होता है तो वो हम बंद कर देते हैं, मतलब हम ऐसा कह देते हैं कि वो अभी यहाँ तक ही सीमित रहे, यहाँ की चिकित्सा के लिए बाहर नहीं भेजते और मेरा दूसरा सवाल ये है, उसको। किसी को बुखार हो तो वो तेल मालिश कर सकते हैं? नहीं, बुखार में, नवज्वर में किसी भी प्रकार के तेल का मालिश का मना किया गया है। पुराना बुखार है तो चंदन आदि तेल का मालिश कर सकते हैं, लेकिन जनरली तेल मालिश या व्यायाम ये नहीं करना चाहिए बुखार में। जी प्रणाम आचार्य जी। जी टाइम आचार्य जी, पहला मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि मूली का सेवन मार्गशीर्ष महीने में कर सकते हैं, तो क्या मार्गशीर्ष महीने के बाद में उसका सेवन नहीं करना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, जो अभी गुरुकुल की औषधियां बन रही हैं, कैप्सूल आदि, तो उनके बारे में प्रश्न आया है कि ये वेजिटेबल से कैसे बनाया गया है, या इसमें क्या प्रयोग किया गया है, इसके बारे में बताएं। जी आचार्य, दो बातें समझ ले। पहले तो सबसे पहले तो आपने ये पूछा है कि मूली की बात, तो मार्गशीर्ष महीने में सबसे अनुकूल मूली आती है जो हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करती है। उसके बाद यदि कोमल मूली है तो उसका सेवन आप अवश्य कर सकते हैं। वो गर्मियों में छोड़ देनी है, क्योंकि वो पित्त बढ़ाती है, और गर्मी के रोगों, जिसको रोग है गर्मी के, उसको तो मार्गशीर्ष में भी नहीं खाना, क्योंकि आयुर्वेद में तो एकांत कुछ भी नहीं है। ऐसा बता दिया तो ऐसा सबके लिए होगा और सब अवस्था में होगा, ऐसा नहीं होगा। बराबर है? हरेक में के एक होता है, यदि ये है तो यदि ये जैसे वो वरदान दिया था ना प्रहलाद को, जैसे वो उसको हिरण्यकशिपु को, तो जी वो आचार्य, बताया कि मैं अमर हो जाऊं, तो वो बोले अमर तो नहीं हो सकता है तू, मतलब मरने वाले तो सब है ही, वो दृष्टि से तो अमर नहीं होगा, मतलब कि मेरा प्राण ही न जाए, मैं यही शरीर से हजारों हजारों वर्ष रहूं तो वो नहीं बन सकता है। तो उसने सोचा कि कितने प्रकार है, फिर उसने बोला अंदर बाहर नहीं मरू, बाहर नहीं मरू, वहां नहीं मरू, वहां नहीं मरू, उनसे नहीं मरू, तो स्थान का, साधन का, परिस्थिति का, सब का विचार करके मांग लिया कि अंदर भी नहीं मरू बाहर, तो उसमें कुछ रह गया ना, अंदर और बाहर के बीच वाली रह गई, ऊपर नीचे का बीच वाला रह गया। उस तरह से ऐसा ही होता है कि कोई एक आयुर्वेद में उपदेश होता है, लेकिन वो एकांत में सबको सब तरह से लागू नहीं होता है, उसमें अपवाद होते हैं। तो ये मूली का ऐसा है कि वो बाद में खा सकते हैं, लेकिन बाद में खाने लायक मूली आती नहीं। बराबर है? एक बात, संस्कृति गुरुकुलम जो अहिंसा प्रधान को मानते हुए जो औषधियां सिलेक्टेड है वही बनाता है, अपने क्राइटेरिया से बाहर जो औषधियां आती है उसमें बहुत सारे पैसे मिलते होने के बावजूद, बहुत डिमांड होने के बावजूद भी एक सिद्धांत को रखते हुए उससे नहीं बनाते हम। तो कैप्सूल में भी हम जो जिलेटिन वाली कैप्सूल होती है वो कभी यूज नहीं करते, जबकि ये सस्ती है। तो भारत की आप ऐसे कहे कि प्रथम ऐसी लगभग लगभग संस्था होगी जो इतना ध्यान रखती होगी कि कैप्सूल में तो लोगों को क्या जाता है, जो जिलेटिन वाली 5 पैसे की आती है और ये 1 रुपए की आती है, तो लगभग लगभग 20 गुना भाव को लेकर ये कैप्सूल करते हैं। वो चावल के जो ऊपर के छिलके होते हैं उसका एक पाउडर बनकर, मटेरियल बनकर यहाँ पर ही कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो पूर्ण वेज होती है। इतना ही नहीं, पूर्ण वेज में भी ऐसे द्रव्यों से होती है जो कोई प्रकार की हानि हमको नहीं करते हैं, वो केवल बाइंडिंग, मतलब केवल ना केवल ऊपर का ये कवर करने के लिए ही होता है, और उसके बाद वो घुल जाते अंदर, कोई नुकसान नहीं करती है। तो इसमें आप निश्चिंत होकर, कोई जैनों को तो, महात्माओं को तो, महाराजों को ऐसा संकल्प भी होता है, व्रत भी होता है कि वो यूज ऐसी नहीं करते हैं, तो भी हमारे से लेते,
तो ये इसमें से तो यही मटेरियल यूज करके जो कंपनी वाले बनाते हैं, हम उससे ही कैप्सूल सीधे सीधे ले लेते हैं। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी विरेचन घर पे कैसे करें? विरेचन घर पे करने के लिए एक विधि, यहाँ जो लोग आएंगे उसको हम बताएंगे, आपको विधि को फॉलो करना है। यदि तो पहले तो संसर्जन क्रम को जानना होगा, 7 दिन का आता है, उसका हम अगले सेशन में लेंगे, मतलब अगले नहीं तो उसके अगले में लेंगे। जो लोग आएंगे उसको संसर्जन क्रम करवाएंगे। अविपत्ति कर चूर्ण, अपनी प्रकृति को देखकर, पित्त अधिक है तो अविपत्ति कर चूर्ण, कफ की अधिकता है तो शिवाक्षार पाचन चूर्ण, और वात की अधिकता है तो हिंगवाष्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण जैसे चूर्ण का प्रयोग करके, या अजमोदादि चूर्ण का प्रयोग करके विरेचन हम कर सकते हैं। विरेचन का अर्थ ही है कि शरीर में से जो मल है वो निकालना और वायु का अनुलोमन करना, दोनों है। केवल मल को निकालना नहीं है, वायु की गति को ऐसे करना, सही करना, वो आयुर्वेद का एक सूक्ष्म विज्ञान है। वायु का अनुलोमन हो गया कि कोई तकलीफ नहीं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हम करते हैं। जी नमस्कार पाटिल गुरुजी। जी नमस्ते। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है और एक निवेदन है। प्रश्न ये है, क्या हम ये अग्निहोत्र यज्ञ कर सकते हैं जो आपने धूप के बारे में बताया, हाँ, अग्निहोत्र पंचलाक्षादि? तो प्रतिदिन करना है को। अग्निहोत्र के बारे में एक सेशन भी लेंगे, लेकिन अग्निहोत्र प्रतिदिन करना है, सबको करना है। जी वो तो करना ही है, मतलब लेकिन उसके स्थान पर नहीं, मेरा समझ गए निवेदन, ना। हाँ, वो भी करना है, धूप भी करना है, अग्निहोत्र भी करना है। अग्निहोत्र भी महत्व का है, धूप की महत्व का है। जी जी दोनों एक ही टाइम, एक ही दिन पे हाँ, या एक ही टाइम कर एक ही सकते हैं? टाइम पर कर सकते हैं, जब वो कंडा जल जाए उसके ऊपर धूप डालकर आप धूप कर सकते हैं। जी जी ठीक है सर। मेरा निवेदन ये था कि जैसे हम डिग्री में तो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम पूरा काबिल नहीं है जो हम दिल खोल के बोल सके हाँ मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ। इसके लिए जी मैं चाहता हूँ, आपने अभी जो बताया कि यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हो सके तो आप हमारे लिए कृपा करें। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। भारतीय चिकित्सा, जो जो आयुर्वेद चिकित्सक कार्य कर रहे हैं वो सबको, मतलब सबको नहीं, लेकिन जो जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और योग्य भी है, उन सबको बुलाकर अभी ही हमारा लगभग लगभग, यदि कोरोना का कुछ इतना विशेष वो नहीं रहा, तो बाहर के लोगों को बुलाकर लगभग 2 महीने के बाद एक धन्वंतरी मिलन सम्मेलन करेंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग। उसमें पंचगव्य की औषधियों को किस रोग में कैसे चलाएंगे, और कोई कर्म को विशेष समझाकर, कोई कोई औषधियां हमने जो वेदों से ली है, जो लगभग आयुर्वेद के वैद्य को उसके जो सिलेबस में नहीं होती है, और वो बहुत ही जी प्रभावी होती है, तो उसके ऊपर हम रखने वाले हैं, क्या कि उनको नया मिले। तो ये थोड़ी ये विषय के सेशन हम रखने वाले हैं, तब आप आ सकते हैं, क्योंकि तब सभी चिकित्सक ही आते हैं, और हमारे जो और वर्ग लेने वाले होते हैं वो भी चिकित्सक ही होते हैं, और मैं होता हूँ। तो ये सभी एक 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 विषय को लेकर ये सभी विचारणा करने वाले हैं, तो उसमें आप अवश्य आ सकते हैं। जी आचार्य जी, अभी पाटिल सर डॉक्टर है, क्या? कर्नाटक से है। जी पाटिल सर अभी जी जो जी बात किए थे, कर्नाटक से अपना वॉलंटियर है, तो अच्छा, आयुर्वेद डॉक्टर आयुर्वेद है। डॉक्टर है, लेकिन जी 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 हाँ थैंक यू पाटिल सर। जी धन्यवाद जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ गुरु जी मेरा प्रश्न है, आपने जैसे कहा कि पानी में तुलसी बूंद डाल के उसका सेवन करना है, तो जी, क्या हम पानी में तुलसी की पत्तियां उबाल के या केवल वो भी ऐसे कर ही सकते, तुलसी पत्ती डाल ऐसे भी के? कर सकते। हाँ, तुलसी का पत्ता को अच्छी तरह से धोकर उसमें से 5-10 आप डालकर, थोड़ी सौंठ डालकर, फिर पानी को छान कर, फिर वो पानी का उपयोग कर सकते, वो पानी को उबालना है ना गुरु जी? उबालना है, तभी तो उसका गुण आएगा, नहीं तो गुण नहीं आएगा उसका, जी वो जी सोलेबल प्रणाम। नहीं है, मतलब। जी नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा ये बच्चों के विषय में ये पूछना चाह रहा था कि हम शुरू से ही बच्चों को थोड़ा आयुर्वेद कैसे सिखा सकते हैं, थोड़ा सा उस चीज के ऊपर प्रकाश डालिए। बच्चों को आयुर्वेद सिखाने के लिए कुछ कथाएं, कुछ जिज्ञासा की जागृति,
प्रश्नों से उसको सिखाना है वनस्पतियों के पास ले ले जाकर। तो बच्चों को पुस्तक से आयुर्वेद सिखाना नहीं, पुस्तक का क्रम तो बहुत बाद में आता है, वनस्पति पर जाकर दातुन से लेकर जो अलग अलग वनस्पतियां काम आती है उसके कुछ गुण होते हैं, उसका कुछ प्रभाव होता है, तो उसकी जानकारी पहले हमको ले लेनी है, लगभग हमारे आसपास के 30-40 वृक्षों की और पौधों की, और उसके बाद वहां से शुरुआत बच्चों को करानी है। बच्चे जितना खुले वातावरण में प्रैक्टिकल हो सीखेंगे उसको ज्यादा आनंद लगता है, क्योंकि वो क्रिया से सीखते हैं, और जितना पुस्तक से और ये होता है उतने वो बोर होते हैं। तो उसको केवल वनस्पति का परिचय ऐसे ही करवाना है, सभी बातें ही बतानी है। तो वो आप खुले में उसको कुछ 25-30 वनस्पतियों के बारे में और उसके गुणों के बारे में अवश्य ही बता सकते हैं। जी प्रणाम गुरुजी। मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो जो अभी आपने बताया कि हमें पानी में मतलब सौंठ डालना है, और इसमें जैसे अभी अग्निहोत्र भस्म है तो उसको भी हम डेली पानी में जैसे यूज कर सकते हैं, एक तो ये है। ओ देखिए, एक उसमें खास ध्यान रखिए लोग, ये तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि बहुत लोग ये अग्निहोत्र भस्म को पानी में डालकर पीते हैं। भस्म होनी चाहिए, भस्म होने के लिए उसका पूरी तरह जल जाना आवश्यक है। जो लोग घर पे कुछ यज्ञ या अग्निहोत्र करते उसमें पूरी जली नहीं होती, तो इसके लिए भस्म में जो यदि वो पूरी जली नहीं है तो उसको लेना योग्य नहीं होता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, भस्म मतलब भस्म किसको कहते हैं कि जो पूरा कोई जल जाता है उसके बाद जो एकदम मतलब एकदम ऐसा कहते हैं फाइन पाउडर हो जाता है उसको हम भस्म कहते हैं, जब वो वाइट हो जाता है। जी, तो उसी अवस्था में उसका सेवन करना है, नहीं तो वो नुकसान भी करता है, स्टोन भी करता है, अंदर हमारे अंदर रग भी जाता है, उसका पाचन भी नहीं होता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने बंद भी कराया है या सिखाया है कि आपको इस तरह से आपको ये लेना है, ये कच्चा है तो आपको वाइट हो जाए, एकदम भस्म हो जाए, तब आप उसको पानी में डालकर पी सकते हैं, लेकिन याद रहे वो भस्म ही होना चाहिए। जी जी। और गुरुजी दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम रसायन के तौर पे च्यवनप्राश ले रहे हैं, तो अमलकी रसायन भी हर मौसम में ले सकते हैं या प्रकृति वाइज हर प्रकृति वाला उसको ले सकता है, जो अभी गुरुकुल में भी हम बना रहे हैं? जी, उसका क्या विधि है? अमलकी रसायनम तो सपोर्टिव है च्यवनप्राश के साथ, लेकिन अमलकी रसायन भी हरेक ऋतु में लगभग ले सकते हैं, और अमलकी रसायनम का महत्व भी है, लेकिन वो एक अलग है उसका उपयोग। च्यवनप्राश का उपयोग अपनी जगह पर है, तो च्यवनप्राश के जगह हो नहीं लेना है, च्यवनप्राश तो शुरू रखना है, लेकिन उसमें जरूर रहे तो उसके सपोर्ट के रूप में अमलकी रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। जी नाम आचार्य जी, मेरे दो सवाल है, एक तो आंवले का सेवन किस तरह से करना चाहिए और सब कर सकते हैं ना, और दूसरा सौंठ जो हम पानी में डाल के उबालते हैं कितनी मात्रा होनी चाहिए सौंठ की, कितने पानी में? देखिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंठ काफी होती है, ये तो एक। फिर सौंठ में कभी तीव्र होती है और कभी तीव्र नहीं होती है, तीव्र हुई तो आधा चम्मच या पौना चम्मच भी काफी हो जाती है, नहीं तो 1 चम्मच। उसको तो उबालना है और उबाल कर फिर छान कर उसको पीना है, 1 चम्मच जितनी सौंठ काफी है 1 लीटर पानी में, ये पहली बात। दूसरी बात, आंवला हर सीजन मतलब आंवले के सीजन में आंवले का सेवन, एक आंवला ऐसा है जो प्रत्येक अवस्था में लगभग सेवनीय रहता है, जैसे कच्चा भी खा सकते हैं, मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं, उसमें एक रस नहीं, इसमें एक रस नहीं कम है, तो उसको सेंधा नमक के साथ उसको वो मिक्स करके भी उसको खा सकते हैं, उसको बाफ कर च्यवनप्राश बनाकर भी खा सकते हैं, उसको पाक करके उसका कैंडी बनाकर भी उसको ली जा सकती है, उसके बहुत सारे च्यवनप्राश से लेकर बहुत सारे प्राशनों में भी उपयोग होता है, तो वो भी। आंवले से बनने वाले चूर्ण, रसायन चूर्ण है या त्रिफला चूर्ण है, उसका भी सेवन कर सकते हैं,
तो आंवला केवल आंवले के चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। आंवले के चूर्ण को आंवले के ही स्वरस की भावना 21 बार देकर आंवला की रसायन हम करके होता है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। आंवला अनेक रूप से उसका सेवन कर सकते हैं। तो इसके लिए आंवला अभी है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से आंवला को उपयोग करना चाहिए अनेक विधि से। तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत अभी है तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी रहती है। जी खूनी बवासीर के जो रोगी है वो सोंठ को मतलब सोंठ को ले तो कोई तकलीफ इतनी नहीं रहेगी, केवल उसको अनुपान में एरंड रहना रहेगा। मतलब जब सोंठ लेते हैं तब एरंड ले ले, एरंड तेल कैस्टरोल, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। जी प्रणाम गुरु जी। गुरु जी मेरे दो सवाल है। मुझे दो तकलीफ होता है, एक तो हम लोग बाहर जाते हैं कभी भी ट्रैवलिंग के लिए तो 2-3 घंटा ट्रैवल करने के बाद नौशिया वॉमिटिंग सर दुखना इतना सर भारी हो जाता है कि जो ट्रिप पे हम लोग जाते हैं वो पूरा मतलब अनफेवरेबल हो जाता है। एवरी टाइम ये फेस करती हूँ मैं। एंड दूसरा सवाल ये है कि पेट के अंदर एसिड इतना तैयार होता है कि यूरिन के जगह पे मुझे मतलब कपड़ों का जो फटना होता है उतना हाई लेवल एसिड तैयार होता है मेरे पेट में। ये दो सवालों का प्लीज आंसर कीजिए प्लीज। देखिए एक तो अलग अलग लक्षण एक रोग के होते हैं, उसमें ही ये एक रोग के ही अनेक लक्षणों में से एक है कि ट्रैवल के दरमियान जो हम वोमिटिंग आना वो पित्त विकृत है या पित्त का जिसको अधिक है वो अधिकता ही दिखाता है तभी वोमिटिंग होती है। पहली बात उसका सेवन तो आप इलायची वगैरह मुंह में रख कर खाली पेट यात्रा करके कर सकते हैं, खास करके भोजन के बाद जितना समय आप ज्यादा मतलब डिस्टेंस रखकर उसके बीच में यदि आप अंतर रखकर यदि यात्रा करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। जैसे भोजन 12 बजे किया तो यात्रा 5 बजे की, तो भोजन 11 बजे किया तो 5 बजे की, या तो फिर सुबह सुबह ही कुछ खाए पिए बिना की खा सकते हैं पी नहीं सकते हैं, खास करके चाय पी या ऐसा कोई भी लिक्विड पिया तो आपको वोमिटिंग होगी। तो इसके लिए ये आपको खास ध्यान रखना है यात्रा के दौरान क्या नहीं खाना है। लगभग सभी नहीं खाए तो अच्छा है, तो खाना ही पड़े तो सौंफ का शरबत पीकर ही आप जाए तो वोमिटिंग होने की कम संभावना होती है। तो ये एक रहा। कुछ होम्योपैथिक औषधियां भी है उसमें साथ में रख सकते हैं, और कुछ आयुर्वेदिक औषधियां है तो उसको आप सेवन करके वोमिटिंग में तो राहत आप ले सकते हैं। दूसरा पेट में एसिड जो बनता है तो ऐसे तो बनता ही है, लेकिन वो ज्यादा आपको यदि बनता है बराबर तो वो पित्त की विकृति मानी जाती है। तो पाचक पित्त की विकृति के कारण ये समस्या आती है, तो उसको गंध आना योनि मार्ग से और खास करके कभी तीव्र शूल होना अर्थात बहुत ही पेन होना या बैठने में दर्द होना, बैठने में कंफर्ट न होना, तो ये सारे लक्षण उसमें होते हैं। तो इसके लिए उसको एक तो पंचकर्म में उत्तर बस्ती जरूरी होती है, चंदन आदि वगैरह कुछ तेलों की उत्तर बस्ती अर्थात उसको वहां से तेल की वो देते हैं ताकि वो बढ़ा हुआ जो एसिड है वो कम हो जाए और वो आसानी से निकल जाए। दूसरा माध्यम ये है कि कुछ औषध उपचार करके आपको उसका ये करना होगा, निवारण करना होगा। तो आप एक को मैं करता हूँ, फिर से कल जितने भी बाकी है उनको मिल जाएगा गूगल फॉर्म से आंसर। तो आप भी गूगल फॉर्म भर के अपनी सारी डिटेल लिख सकती है, कोई भी यदि आपने कुछ एक्सरेज वगैरह करवाए हैं तो भी अपलोड कर सकती है। तो ये आप करेंगी तो हम अवश्य ही अपने रीत से आंसर करेंगे और आपसे पर्सनल बात भी करेंगे। जी नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरु जी मेरे तीन प्रश्न है। पहली बात
तीन महीने के बच्चे को अगर सर्दी बुखार हो के बच्चों को कफ जमा हुआ तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पे एक मिनट, छोटे बच्चों को सर्दी बुखार यदि ऐसा हुआ तो पहले तो एक नागरवेल का पत्ता आता है, वो हाँ? पत्ते को गर्म करना है, उसको गर्म करके उसकी यहाँ चेस्ट पर लगाना है, तो जमा हुआ कफ नागरवेल के पत्ते से निकलता है प्रभावी चिकित्सा के दौरान, तो वो यहाँ पर छाती चेस्ट के भाग पर उसको उसका शेक देना है। अजवाइन की एक पोटली करनी है, अजवाइन की अजवाइन हाँ। उसमें डालना है, उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको नाक के पास ले जाकर उसको सूंघाना है ताकि उसकी जो सांस लेने में तकलीफ होती है वो अजवाइन की सुगंध से वो अच्छी हो जाती है उसकी श्वसन क्रिया, तो ये एक ध्यान रखना है। नागरवेल का पान का शेक करना है, एक समुद्र शोष करके आता है, आप लिख लीजिएगा समुद्र शोष, आपके यहाँ पर मिलता है, उसके बीज आते सीड, वो घिसकर आप उसको देंगे तो बच्चे को एक वोमिट होगी, वोमिट में हाँ। सारा कफ निकलेगा और कफ निकलने के बाद उसको अच्छा लगेगा, तो समुद्र शोष के बीज होते हैं वो इसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है जो आपके यहाँ पंसारी के यहाँ मिलती है। जी ठीक है गुरुजी। मेरा दूसरा सवाल है, बाल रक्षा अमृत को तीन महीने के बच्चे को कब देना है? मतलब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे उतना ही रहता है तो पिलाने से पहले देना है या पिलाने से बाद, और कितनी मात्रा में देना है, कितनी बार देना है? पिलाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ, फिर उसकी मल प्रवृत्ति बराबर हो जाए, उसका मल कैसा आता है वो देखना है, वो यदि कठिन आता है तो थोड़ा ही उसकी मात्रा बढ़ानी है बाल रक्षा अमृत की, और यदि डायरिया जैसा आता है तो थोड़ी कम करनी है, ये आपको देखना है, आधा चम्मच से लेकर एक चम्मच तक दे सकते हैं उसको। और मेरा और गुरुजी, वो बच्चे को जब भी वो रोती है तो थोड़ा मल निकलता है, पानी पानी जैसा मल निकलता है, तो वो नॉर्मल है कि उसको ये कर सकते हैं? मतलब दिन में एक चार पांच बार तो मल करती है? नहीं, वो तो मतलब यदि रोती है तो उसको हाँ। तो उसका ज्यादा बल लगता है रोने में, ये एक सिम्टम्स होता है, उतना बल रोने में नहीं लगना चाहिए, उसको बल लगता है तो फिर वो मल हो जाता है, तो इसके कारण अभी तो उसको ये चलाइए, साथ में उसको अभ्यंग वगैरह शुरू करें माथे पर, और नींद में और जगकर रोती नहीं है ना अचानक, ये अभ्यंग के अच्छा सोती है गुरुजी, लेकिन अच्छा, जब रोती है तो उतना एक होता है तो, और हम उसका और हम और? उसको मालिश तेल भी यूज कर रहे हैं और हेयर ऑयल भी, या संस्कृत आर्य गुरुकुल का अभी तो कोई अभी तो कुछ विशेष जरूरत नहीं है, केवल उतना ही उसको बल मल में नहीं लगना चाहिए, तो ओ, मतलब इसमें रोने में वगैरह में, तो इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मल तभी निकलता है जब वो बल कर देती है और हाँ। उसके कारण दूसरा ये भी है कि उसको मतलब कभी पेट भी साफ ना होता हो तो भी ये हो सकता है, तो उसको एक बार में बाल गुटिका दे सकते हैं, बाल रक्षा अमृत भी दे सकते हैं, उसको एक बार में पेट साफ आए तो ये समस्या नहीं होगी। ठीक है गुरुजी। और मेरा तीसरा सवाल है, क्या बाल रक्षा नस्य को बड़े लोग कर सकते हैं क्या, उसको यूज कर सकते हैं? बाल रक्षा नस्य को बड़े लोग उपयोग कर सकते हैं, और भी पंचगव्य का उस यष्टि मधु का कर सकते हैं, बाल नस्य का भी उपयोग कर सकते हैं। जी ठीक है। राजेश्वर जी जी बताइए। मेरा दो प्रश्न है, पहला ये है कि हाँ बच्चों को मतलब जब सर्दी हुई है तो रात को सोते टाइम नाक बंद हो जाती है, तो तभी आयुर्वेद में क्या उपचार कर सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है कि अभी जो ठंडी की सीजन में फ्रेश हल्दी जो मिलती है तो वो लेने से क्या फायदा है, मतलब अभी क्यों लेना चाहिए? एक प्रश्न का तो हम कल लेंगे आहार का विषय में, हल्दी का क्या उपयोग है वो तो बहुत बड़ा विषय है। एक जो बच्चों की श्वसन क्रिया पर उपयुक्त औषधियां है उसमें अजवाइन है, वो बहुत ही उपयोगी औषधि है, इसके पहले ही मैंने बताया, उसको सूंघाने का विधान है, आयुर्वेद में कोई कोई तीव्र गंधा औषधियां है उसको सूंघानी है, तो किसी की जो सुगंध है वो गर्म होने के बाद आती है, जैसे अजवाइन है, जैसे जीरक है,
वो सभी गर्म होते हैं तो वो ज्यादा सुगंधित हो जाते हैं, उसकी सुगंध ज्यादा फैलती है। तो बच्चों को तीखी सुगंध वाले जो जंतुघ्न होते हैं और जिसकी सुगंध तीक्ष्ण गंध होती है, ऐसे अजवाइन उसमें सबसे श्रेष्ठ है। अजवाइन को पोटली बनाकर गर्म करके उसके बाद उसको नाक पर सूंघाना है बार बार। नाक पर सूंघाने से उसकी श्वसन क्रिया अच्छी होती है और आपने जो बताया उसमें वो सांस लेने में कभी तकलीफ होती हो तो एक तो ये गंध चिकित्सा करनी है। इस तरह से गंध चिकित्सा मतलब अजवाइन की पोटली को गर्म करके उसको सूंघाना है, कपड़े में डालकर बंद करके उसके बाद उसको सूंघाना है। दूसरा नागरवेल का पत्ता लेकर हाँ। उसकी चेस्ट पर रखना है, वो उसके लिए श्वसन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छा अभी है। जी ठीक है, तो अभी कल राजेश्वर जी हम फिर मिलेंगे इसी सेम टॉपिक विषय पर। जी ऐसे आचार्य जी, आचार्य जी जो कल जो शुभ समाचार जो संस्कृत सेशन में हम लोग सुने थे पंचगव्य जी, तो इसका थोड़ा उसका दो मिनट आप बोलने कल मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तो पूरा निश्चित होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो कुछ बातें हैं तो उसकी बात मैं कल 5 मिनट करूंगा। जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, आप सबसे विनती है, घर घर तक पहुंचाएंगे आयुर्वेद को। कल सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, आप सब लोग विनती है आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर शिव प्रसाद जी। कल मिल रहे हम लोग रात को 9 बजे। थैंक यू आचार्य।